ज्वाइनिंग, बट टेल देम टू ज्वाइन ओके फास्ट. मैम, ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, गुड. यस, नाइन स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंट सो फार. यस यस, ओके ओके, यस ओके. सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू टॉपिक, फ्री कंसेंट, राइट? टेस्ट हैज बीन शेड्यूल्ड देयर, एंड प्लीज लेट मी नो वेन एवर आई शो यू वीडियो, आर यू एबल टू हियर इट, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, नो मैम. अभी अभी तो आई एम नॉट शेयरिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक फर्स्ट, देन आई शो यू द वीडियो. ओके, देन आई शो यू द वीडियो, यू लेट मी नो देयर एंड देन. आप मुझे उस टाइम पे बताइएगा बच्चे, ठीक है? राइट, यस मैम. ओके ओके, यस. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू टॉपिक, दैट इज free consent. Now please understand, when I use this word free consent, we have to understand the meaning of free as well as consent, this and this. When we talk about free, that means in terms of freedom this word has been used. So free is very much related to freedom. Freedom of expression, freedom of speech, freedom of participation. So somewhere where mind or personality is not biased. So freedom is always unbiased, right? Unbiased. So when we talk about free, we talk about the process of being unbiased. Not biased, not favoritism. Unbiased का मतलब होता है जहां हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, जहां हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, वी आर फ्री, राइट? कंसेंट, लाइक आई टोल्ड यू, कंसेसस एंड इडम से बना है. द लेटिन वर्ड इज कंसेसस एड इडम. व्हाट डज दिस मीन? दे आर थिंकिंग, दैट इज पार्टी इज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम मैनर. So we have read consent before also when we discussed this word. Combiningly, dono ko combine kar dein ki unbiased consensus and idem is called free consent. That means when the parties are understanding each other, agreeing on something in the same manner, for the same thing, for the same object, then the consent is said to be free. That means section 313 is very much clear. कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उसमें कंसेंसस एंड इडम फ्रीली होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए उसको. दे हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव टू थिंक अबाउट देयर बेनिफिट, दे आर वेरी मच फ्री. बट अगर किसी ने बोल दिया, किसी ने दबाव डाल दिया, किसी ने कुछ गलत करके कर दिया, दैट कंसेंट इज नॉट फ्री. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेंट कब फ्री नहीं होगी. फ्री कंसेंट मीन्स whenever the parties to the contract are agreeing on the same thing at the same time, so they are thinking about their benefit versus cost, right? So that is something free consent, right? So when we talk about any contract in the economy, in the India terms or in the world, this is very very important. Every party is thinking about their benefit, so they are entering into a contract. So contract creation, just a minute. Yes. Contract creation is something where the parties are involved, right? Yes. Now what is section 14 says? In these cases, contract is not called free consent. That means there are 5 points under which if this is happening at the time of contract, then the contract is said not free. That means these are those 5 situations when the contract becomes voidable or void. I'll tell you when voidable and when void. यानी कि वो contract valid नहीं होगा. अगर कहीं भी consent free नहीं है, अब free consent कब बोलेंगे? Whenever they are thinking about their benefit, they are biased towards us, not towards each other.
मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, इट्स नॉट फ्री। क्योंकि वो मेरा सीनियर है, इट्स नॉट फ्री। क्योंकि मेरे को दबाव डाल रहे हैं, मेरे को गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, इट इज नॉट फ्री। तो फ्री कंसेंट इज बेसिकली व्हेन द पार्टीज आर फ्रीली एग्रीइंग ऑन पर्टिकुलर आइटम एट ए पर्टिकुलर टाइम विद द सेम थिंकिंग, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम स्टैंड्स फॉर द कंसेंट इज फ्री बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग इन अ सेम मैनर। ओके, ये तो हो गया फ्री कंसेंट। अब किन सिचुएशन में ये माना जाएगा कि कंसेंट इज नॉट फ्री? इन ऑल दीज फाइव सिचुएशन कंसेंट विल बी ट्रीटेड दैट इज नॉट फ्री। तो द कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ दीज फाइव सिचुएशंस विल बी वॉइडेबल और वॉइड। तो दीज आर कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मैं ये पांचों आपको करवाऊंगी। इन पांचों में जो भी कंसेंट है वो फ्री नहीं मानी जाएगी, वो दबाव डाल के। इनका मीनिंग ही ऐसा है जिसमें पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रही है बट पार्टी इज नॉट फ्रीली डूइंग इट। पार्टी इज समवेयर यूजिंग द थ्रेटनिंग मैकेनिज्म टू साइन इट आउट ऑन द एग्रीमेंट एंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो कई बार आपने जैसे नंबर ऑफ मूवीज आर देयर विच आर सेइंग अबाउट फ्री कंसेंट इन मेनी वेज। आपने कोई अमरीश पुरी की मूवी पकड़ लीजिएगा, कोई किसी भी विलेन गुलशन ग्रोवर की पकड़ लीजिएगा, वो क्या करते हैं कि अगर आज गांव में गए हैं तो जमींदार से साइन करवा लेंगे। कैसे करवाते हैं? जिसमें लोगों को लगता है ओहो ये तो हमारा सारी जमीन ले जाएंगे। तो वो जो जमीन हथियाना है उसको कहते हैं कि देयर इज ए नो फ्री कंसेंट। सो वो इन इन पांचों सिचुएशन में आएगा। नंबर वन इज कोअर्शन, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट एज ए फ्री कंसेंट इज क्लियर टू यू? यस, ओके ओके। नो, व्हाट इज कोअर्शन? ये सीरीज से चलेंगे। जैसे 13 में बताया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, 14 में बताया कि कंसेंट कब फ्री नहीं मानी जाएगी, एंड 15 इज एज पर द डेफिनेशन, राइट? तो सी व्हाट इज कोअर्शन मीनिंग। कोअर्शन इज समथिंग थ्रेटनिंग, दैट मींस वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। अगर सिंपल लाइन में बोला जाए, वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इज कोअर्शन। किसी को धमका के जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो दैट इज कोअर्शन। इन पांचों टर्म्स के मीनिंग अलग अलग हैं, तो कैसे आपको याद रखना है? कोअर्शन इज थ्रेटनिंग, धमकाना। किसी की इस तरीके से प्रॉपर्टी ले लेना कि आपको उसको गन पॉइंट या कुछ उसको ब्लैकमेल या कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म यूज कर रहे हो विच इज नॉट एज पर आईपीसी, राइट? तो आपने देख लिया कि कोई वीक पॉइंट है, कोई वीक एलिमेंट है, कोई वीक पर्सन है, उस वीक पर्सन से चीजें हथियार लेने। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं व्हेन एवर देयर इज अ वॉर। अब आप जैसे खिलजी की बात करिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करिए, वो लड़ाई करता था, लूटपाट करता था, और कितनी बार उसने लूटपाट करके यहां से सोना लेकर गया है। कोअर्शन, दैट मीन्स यू आर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट बाय अनफेयर मीन्स, द रॉन्ग मीन्स। बट रॉन्ग मीन्स मीन्स थ्रेटनिंग, द पर्टिकुलर वर्ड इज थ्रेटनिंग। तो कोअर्शन इज एसोसिएटेड विथ थ्रेटनिंग। किसी को धमका दिया आपने, इट मीन्स यू आर इन ए पोजिशन टू थ्रेट समथिंग। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंगना वर्सेज बीएमसी, कंगना रनौत एंड बॉम्बे पुलिस, राइट? नाउ व्हाट इज इट? सडनली यस दिस इज सडनली कोअर्शन। आपने नोटिस लगाया, जैसे नाउ अंडरस्टैंड, यू हैव नॉट टेकन द पर्टिकुलर परमिशन फ्रॉम द पार्टी, उसको मौका नहीं दिया। नोटिस हाँ का एक, नोटिस का एक क्रिएट होता है, एक इंसान को इतना टाइम दिया जाता है, वो टाइम ही नहीं दिया आके, मतलब सडनली कुछ ये बिल्कुल करने बिल्कुल लगे, ये होता ही नहीं बिल्कुल है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो लुक एट द आई एम नॉट इन ए सिचुएशन टू कमेंट एनीथिंग। आप ठाकरे हिस्ट्री कभी पढ़िएगा बेटा, दे आर पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू ए ग्रुप विच इज डूइंग द वर्क विद अ कोअर्शन, विच इज डूइंग द वर्क विद अ कोअर्शन। तो कोअर्शन मीन्स थ्रेटनिंग। आपने किसी को धमका दिया, आपने धमकी दी और धमकी के बाद वो काम करवाया आपने। तो व्हाटएवर इज
द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ थ्रेटनिंग दैट इज कॉल्ड कोअर्शन. तो कोअर्शन के लिए एक टर्म है थ्रेटनिंग. तो कोई ऐसा काम वेयर बाय यू आर यूजिंग दोज मैकेनिज्म दैट यू आर मेकिंग पर्सन थ्रेटन. अगर नहीं तो आई विल सी यू. सो कवर्जन इज द बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इज गन पॉइंट. एनी कॉन्ट्रैक्ट साइंड ऑन द गन पॉइंट इज कवर्जन, राइट? सो वेन एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड एट गन पॉइंट इट इज नथिंग बट अ कवर्जन. एंड वेन देर इज अ कवर्जन इट इज नथिंग बट void contract. That means that contract is not valid. वो voidable हो जाएगा. जब तक person बर्दाश्त कर रहा है ठीक है, जैसे ही वो engaged होगा वो उस तरीके से उसको behave करेगा. तो कोई भी contract, अगर किसी भी तरह का कोई contract दो parties के बीच में gun point पे होता है, that contract is called coercion. Is it clear बच्चे? Is it clear? Yes ma'am. Okay, okay. So you can say कंसेंट इज टेकन फ्रॉम दिस. लुक एट दिस केस बच्चे. दैट मीन्स आपने कोई किसी को थ्रेटन किया, आपने आईपीसी को धारा को तोड़ा या अनलॉफुल डिटेन कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली. डिटेनिंग एनी सच प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कोअर्जन, राइट? लुक एट दिस दिस केस. द पर्सन दैट इज चिकम अमरोजू एंड सुशामा, इन दिस केस अ पर्सन थ्रेटन्ड हिज वाइफ and son that if they will not transfer their property on his name he will commit suicide. So you have to transfer the property onto my brother name. Now please understand, ek wife ko is tarike se bete ko jo adult hai aap dhamka rahe ho ki aapki jitni bhi property aapke jitne bhi parents ne jo bhi diya hai to wo property aapko mere bhai ke naam pe karni padegi nahi to main suicide kar lunga. Agar wo cheez वाइफ मान लेती है ठीक है मेरा हस्बैंड जीना चाहिए, तो दैट कंसेंट इज कोअर्जन. आपने धमकाया, आपने कोई धमकी दी कि मैं ये कर लूंगा, विच इज नॉट राइट. अगर आप इस तरीके से कोई किसी की कंसेंट ले रहे हो तो दैट इज समथिंग अंडर द थ्रेट. अगर वाइफ ऐसा करती है तो इट इज समथिंग कोअर्जन. प्लीज अंडरस्टैंड. सो दिस इज द रियल केस वेयर बाय फादर ऑफ डॉटर, डॉटर को एक जमीन दी, डॉटर ने वो अपने बेटे के नाम पे कर दी. अब बेटा और डॉटर दैट मीन्स मदर एंड सन आर इन ए पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. मदर एंड सन को उनका हस्बैंड, जैसे मदर का देखो तो उसका हस्बैंड धमका रहा है कि मैं 15 दिन के अंदर तुमने ये नहीं किया या तुमने इतने दिनों में नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पे करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो. नाउ दे एग्रीड बट लॉ सेड इट इज वॉइडेबल क्योंकि ये वाली कंसेंट इज नॉट एग्जैक्टली एज पर प्री. दे वांटेड टू गिव दे गिव, दे डोंट वांट टू गिव दे कैन नॉट. बट थ्रेटनिंग विद द हेल्प ऑफ सुसाइड इज समथिंग कोअर्जन, राइट? लुक एट दिस. फाइन बच्चे. Yes, is this case clear to you? Chikim Amiraju versus Shishama. Yes, sir. तो श्रीशामा ने फिर उसके बाद जब केस किया तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, तुमने इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे करवाई है तो ये गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा, ये प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे रहेगी. तो श्रीशामा क्या करती है, पहले तो नाम कर देती है ठीक है मेरा हस्बैंड बचना चाहिए. कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज होता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने गलत नाम की, ये मेरे फादर ने मुझे दी थी, ये मेरे बेटे की होनी चाहिए. तो शी वेंट इन टू कोर्ट. कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इस तरीके से इसकी जमीन हथियाई है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग दैट इज कोअर्शन, तो आपको कैसे कोई धमका रहा है, दैट इज समथिंग लाइक व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज आप उसको इस तरीके से धमका रहे हो जहां पे आपका गन पॉइंट यूज हो रहा है, जहां पे आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग यूज हो रहा है, सो दैट इज समथिंग कोअर्शन, राइट? क्लियर बच्चे? So only one case is required. Look at this undue influence, second term. Undue influence is associated with misuse of power. Please understand. Agar threatening uske liye tha, to iske liye ek word bana hai, misuse of power. Misuse of power ka matlab hai ki aap apne apni position ko, apni seat ko, apne power ko galat use kiya hai. If a minister of a state is doing something which is against the policy, that is public policy, जैसे IPC के against हो गया तो वो coercion हो जाएगा.
अगर आपने पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कुछ किया है तो दैट इज समथिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. यू हैव यूज्ड योर पोजीशन एज ए सीएम, नंबर वन. यू हैव गिवन द इन्फ्लुएंस कि आई एम ए सीएम, आई कैन डू एनीथिंग. इट इज सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग बट इट इज नॉट थ्रेटनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज वेयर बाय पोजीशन इज यूज्ड, यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द पोजीशन ओनली. तो अगर सीएम अपनी पोजीशन को मिसयूज करता है, दिस इज नथिंग बट अनड्यू इन्फ्लुएंस. सो व्हेनेवर एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस आर डन एंड पार्टीज आर फोर्स्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 16. ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position, very important, to dominate the will of the other. Please understand, कोई आपके इलाके का पुलिस होगा तो अगर अपनी पोजीशन अपनी वर्दी दिखा के आपको यूज कर रहा है तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी रोज कार निकलती है उस एरिया से, वो रोकता है, वो बैठता है और आपको किराया नहीं देता, चला जाता है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच रहा है विदाउट गिविंग यू एनी अमाउंट. दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस क्योंकि उसने वर्दी पहनी एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, तो उस डोमिनेशन पोजीशन में है. सो मिस यूज ऑफ द पावर एंड पोजीशन इज नथिंग बट अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो अगर मुझे एक लाइन में आपको समझाना है कि कोई अपनी पावर को यूज करके अनफेयर एडवांटेज ले रहा है अगर, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो आई गिव यू वेरी प्लेन एग्जाम्पल कि देयर इज अ पुलिसमैन and you always cross that road at that time and he knows it. तो वो जो है आपके कार में बैठ के आपको घुमा के अपने घर तक जाता है and he does not give you any amount. First is he is a policeman. Second is he is using his power against it. Third is his domination is very valid. वो आपको dominate कर सकता है. आप उसको जब मना करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा और उस तरीके से काम ले ही लेगा. तो नॉर्मली हम लोग नहीं उलझ सकते उनके साथ. तो अगर कोई पोजीशन को मिसयूज करके करता है तो इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोई बिना पोजीशन के आपको थ्रेटन कर रहा है तो कोअर्शन. प्लीज अंडरस्टैंड कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में वेरी स्मॉल डिफरेंस इज देयर. दैट डिफरेंस इज कोअर्शन इज जस्ट लाइक इमोशनल ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग, कमिटिंग. आपने कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें आप पोजीशन में नहीं थे, प्लीज अंडरस्टैंड, तो आप धमका रहे हो, आप गुंडे हो. आप ये नहीं है कि कोई आपकी पोजीशन है, कोई पावर है, कोई आपकी सीट है, कोई आपको सैल्यूट कर रहा है. नो, यू मे बी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. अगर आज दाऊद कहता है कि यस आई वांट दिस मूवी अमाउंट इनटू माय अकाउंट, तो शायद ही कोई प्रोड्यूसर बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. अगर दाऊद कुछ अमाउंट ले रहा है बॉलीवुड से तो इट इज समथिंग एज ए कोअर्शन. दाऊद कोई पोजीशन पे नहीं बैठा है. बट ऑन द ऑपोजिट अगर आज कोई आपको कोई पोजीशन पे बैठ के आपसे अपना काम करवा रहा है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. टेक दिस एग्जांपल ऑफ मी. मैंने आज आपको लॉ की कोई असाइनमेंट दी तो इट इज एक्चुअली नॉर्मल इन्फ्लुएंस. आई कैन टेक द वर्क ऑफ लॉ फ्रॉम यू ऑल, बट इफ आई हैव गिवन यू मैथमेटिक असाइनमेंट, आई एम यूजिंग माई पावर इन ए मिस वे. तो मिस यूज का मतलब होता है कि कोई सीट पे बैठ के अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है गलत तरीके से, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. राइट बच्चे? यस यस मैम. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आई एम गोइंग क्लियर मैम. ओके मैम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो. आपने जो बोला है ये लॉ के अगेंस्ट में जाके कोई अगर इमोशनल ब्लैकमेल करके ये सब करके धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, देन इसके अगेंस्ट में मैंने कैसा हम अगेंस्ट में कोई एक्शंस ले सकते हैं? लाइक मैंने आराम से ले सकते हो. ओनली थिंग इज यू हैव टू फाइल अ केस जिसमें देर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म कि आप एक एडवोकेट हायर करोगे, आप अपना केस बताओगे. जैसे राइट नाउ अगर कंगना रनौत की बात की जाए तो कंगना एडवोकेट हैज फाइल्ड अ केस एंड ही विल विन फॉर श्योर. तो उसमें सेंटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसको वो सारी अमाउंट मिलेगी जो कल उस बेचारी का लॉस हुआ है. बेचारी कहिए या वट एवर यू वॉन्ट टू से, जिसका लॉस होता है वो एक तरह से मतलब सफरर हो जाता है, प्लेंटिफ हो जाता है. तो बॉम्बे कोर्ट को डिफेंड करना पड़ेगा और कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो समथिंग नहीं बोली सॉरी
तो समथिंग उन्होंने जो पुलिस ने काम किया है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि पोजीशन यूज की गई है इसमें, मिनिस्टर ऑर्डर था, मिनिस्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग बीएमसी ने अपना काम किया, तो ऑर्डर फ्रॉम द पोजीशन पीपल, अगर आज उनकी सरकार नहीं होती तो शायद ये ऑर्डर ना देती, देर मस्ट बी ए प्रॉपर चैनल कि आपको एक 7 डेज का टाइम दिया, हियरिंग का टाइम दिया, वो बाहर से आ रही है उसको वो भी चीज, बहुत सारी ग्राउंड्स होती हैं विच आर बीइंग कंसिडर्ड एट द कोर्ट लेवल, तो सर्टेनली इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस। लॉ के अगेंस्ट में तो कोई नहीं जा सकता, सपोज ऑपोजिट पर्सन जो मतलब ये चीज किया है वो लॉ मतलब ये फाइल मतलब मेरा जो लॉयर है वो फाइल मैंने हमारे इस अगेंस्ट में कोई मैंने क्या बोलते हैं नोटिस देगा, पर ऑपोजिट पर्सन अगर कुछ करना ही नहीं चाहता देन फिर मतलब, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है नॉर्मली। देखिए इसका प्रोसीजर होता है कि जैसे आपने केस फाइल किया, दूसरा पर्सन हियरिंग पे नहीं आ रहा है, 1, 2, 3, यस, इफ एनी पर्सन हैव लॉस्ट देयर बिजनेस प्रॉपर्टी देन दिस सिचुएशन, यस। मैं अभी पढ़ती हूँ उस चैट को, अभी मैं आई कुडंट गेट टाइम, तो हियरिंग के 3 रिमाइंडर्स जाते हैं, जब पर्सन जा ही नहीं रहा तो कोर्ट एक तरफा फैसला करके ऑन टू वन साइड दे गिव इट लाइक दिस, फिर वो जो है हाँ कोर्ट फैसला ले लेती है दूसरे पर्सन को, फिर दोबारा किसके साइड पे फैसला होता है ये चीज, जो जो पार्टी ने केस किया है। अच्छा ओके ओके, इफ एनी पर्सन हैव लॉस्ट देयर बिजनेस प्रॉपर्टी देन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैव टू डू, ये सर्टेनली होता है अगर इफ इट इज कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अभी आपको डिफरेंस कराऊंगी। तो कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंगली यू हैव अ राइट टू नो अबाउट द फैक्ट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। आज अगर हम ये कहते हैं कि बिजनेस प्रॉपर्टी ले ली है बट गलत तरीके से एट गन पॉइंट, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था स्टिल यू कैन गो अगेंस्ट दैट पोजिशन, आप जा सकते हो। तो बोथ द केसेस आर वेरी मच इंटेग्रल पार्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, फाइलिंग ए केस, सॉरी हायरिंग एन एडवोकेट, फाइलिंग ए केस एंड वेटिंग फॉर द जजमेंट टू कम, इट इज द प्रोसेस, यस। ओके मैम, ओके, यस मैम, गुड, ओके। सो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन एंड रिलेशनशिप आर इन सच ए मैनर दैट दे आर गोइंग टू डोमिनेट ईच अदर, domination is important, position and power is important, so undue influence is nothing but PP, right? Position and power is misused, so it is like unfair advantage for the moral pressure, aapne usko pressure de diya, so somewhere jab pressure de ke kaam karwa rahe ho that is undue influence, right? So look at this, in such situation there may be undue influence, aaj agar kisne kaam lena hai principal and agent, प्रिंसिपल बोल सकता है कि यू हैव टू सेल दिस मच क्वांटिटी विद इन दिस टाइम, सो एजेंट इज गोइंग टू गेट ए कमीशन ऑन सेल, तो अगर प्रिंसिपल ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बट दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज बिकॉज ऑफ द जॉब, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट सर्टेनली, डॉक्टर एंड पेशेंट, फादर एंड सन, ये सारे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बट यहाँ पे देर इज नो वन इन द मैनर टू टेक अनफेयर एडवांटेज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशनशिप है इसमें चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो बट कहीं ना कहीं अनफेयर मैकेनिज्म नहीं होता, कोई गलत काम नहीं करवाता है, जैसे प्रिंसिपल ने आपके साथ अगर जॉब आपको दी है तो उसने गुड्स तो सेल करवाना ही है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना काम निकलवाने के लिए कई बार आपको मोटिवेट करेगा, कई बार आपको डांटेगा, कई बार कहेगा कि ओके तुम्हें फायर कर दिया जाएगा अगर तुम अब सेल नहीं करे, तो दैट इज समथिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट दैट डज नॉट मीन it is unfair advantage, so you have to be very very clear, so position and power agar hai it is fine, I am very much right to ask you legal questions about my subject, about my assignment, anything I can ask for, but I cannot ask for any other subject, so if I am influencing you, if I am giving you some task, there might be like I am your teacher and you are my son, you are my daughter, you are my student, you are my ward, whatever, that kind of relationship is undue influence, but that is not wrong undue influence. Wrong undue influence is when person is trying to take benefit
फॉर हिज और हर चॉइस. जब आपका अनफेयर बेनिफिट होता है, जब यहाँ पे ये पोजिशन एंड पावर मिस यूज होती है, दैट इज बिकमिंग रॉन्ग. सो मिस यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो लुक एट दिस केस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर वॉज अ पुअर विडो, राइट? दो विडो हु वॉज गिवन टू पे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाउ दैट इज पॉसिबल? आज उसको अमाउंट चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज शी इज अ विडो. आप उसको अमाउंट दोगे विद दिस मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, देन इन दैट केस दिस इज समथिंग ही इज डूइंग रॉन्ग. एक पैसा दे रहा है, इट इज फाइन, वो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है, इट इज फाइन, बट देयर इज हैज टू बी डन विद द रेट. तो कोर्ट ने जब ये केस किया, कह रहे 100% कहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हो, इट हैज टू बी मैक्सिमम 24%, दैट्स ऑल. 2% पर मंथ इज फीजिबल. आज जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, अगर आपने देखा हो कि अगर आप 52 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो बेटा, तो दैट इज नॉर्मली चार्जिंग एज ए 2-3% पर मंथ इंटरेस्ट. आपको ध्यान हो, सो इट इज लाइक 24% to 36% पर एनम. दैट इज वेरी मच ट्रू. बट अगर आप उसको अमाउंट दे रहे हो, आप कह रहे हो मुझे डबल वापस करनी पड़ेगी, दिस इज समथिंग रॉन्ग. और जितनी अमाउंट दे रहे हो उतनी ही अमाउंट आपको वापस करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% हो गया. दैट मीन्स अनड्यू इन्फ्लुएंस. सिंस यू आर गिविंग अमाउंट, सो यू हैव एवरीथिंग टू से. आप उसमें नॉर्मली अपने क्लॉजेस को भूल जाओगे. तो वो जब उसने केस किया कि लाइक आई एम ए विडो एंड ही इज मिस यूजिंग हिज पावर अगेंस्ट मी एंड ही इज टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स दिस मच एंड आई एम बींग फोर्स टू पे 100%, then court decided this, ki no, you cannot. It is a case of undue influence. You cannot charge more than 24%. So that lady had to pay only 24% interest. Right? Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Look at this difference which I was about to talk you. Right? Look at this. Yes. When we are talking about coercion, it does not presume, law does not presume there is a coercion until you speak up. यानी कि अगर आपके साथ कोई threatening mechanism use हुआ है, law ये नहीं मानेगा कभी भी. But yes, किसी किसी केस में law को immediately पता लग जाता है कि undue influence है. कंगना रनौत के केस में, if media is so much aware, so the law is, so the advocates are, so the judge is. So it is very easy to presume this, sorry, undue influence as under some circumstances. Yes, coercion ko assume karna thoda tough hai, please understand, but undue influence ko assume karna utna hi easy hai ki koi person position pe baitha hai and he is charging this much. Yes, court ekdam se samajh lega ki yes, this IAS is doing. So jitni bhi aapki bribery hoti hai, jaise ab aap Kochar ka case dekhiye, ICICI bank, right? Prasanna Kochra jo hai uski chairman thi. अब इसने कितनों को लोन दिया, कोर्ट को ये चीज क्लियर है कि अंडर इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन पे बैठी थी, इसके अंदर पूरा बैंक था, इसके अंदर सारे अमाउंट थे, इसने इतना परसेंट रिजर्व कटवा के लोन पास कर दिया. तो रिजर्व को कटवा के वीडियो वोडाफोन को देना या वीडियो कॉन को देना लोन इज समथिंग वो अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में थी. तो अंडर इन्फ्लुएंस समझना बहुत ईजी है. वेन द पर्सन इज इन द पोजिशन, he or she is using it in a mis way. And coercion, it may be exercised by stranger to a contract. Stranger ka matlab hai kisi third party ke sath aapne agar contract kiya hai which is not involved, coercion usme involve ho sakta hai. Jaise ki aaj A and B wo contract karte hain, but B ki property mein C ka bhi right hai jo A ko nahi pata tha. Please understand, ए ने कहा गन पॉइंट पे कि बी को मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, बी हैज गिवन इट. प्लीज अंडरस्टैंड, उसको आइडिया नहीं था. सो दिस इज एग्जैक्टली स्ट्रेंजर टू ए. बी की प्रॉपर्टी में सी का भी शेयर था, तो सी हैज ए राइट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट स्यूएबल. वो स्यू कर सकता है. स्ट्रेंजर जो है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, चाहे वो ए को पता है या नहीं पता, राइट? तो स्ट्रेंजर होके ए पे केस कर सकता है. बी नहीं कर रहा है, बी मानता जा रहा है, बी को डर लग रहा है, बी को धमकाया जा रहा है, बी मानता जा रहा है. तो जैसे उस केस में अगर मदर कुछ नहीं बोली तो
सन बोल सकता है लुक एट दिस दिस. तो अगर वाइफ कुछ नहीं बोल रही, वाइफ साइन कर रही है, तो सन मे बी ए स्ट्रेंजर. तो सन कैन हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, सन कैन हैव ए चार्ज, सन कैन हैव ए स्यू राइट अगेंस्ट हिज फादर, राइट. अब उसको ये लगता है कि वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, सन के नाम पे नहीं है. वाइफ ने अंदर ही अंदर डॉक्यूमेंट तैयार करके अपनी विल बनवा ली है और विल जो है एडवोकेट के पास पड़ी है. तो एज ए सन, जबकि फादर को नहीं पता है, तो सन कैन हैव ए राइट. इसी तरीके से वाइफ ने मान लीजिए अपने ब्रदर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कराई है, उसको नॉमिनी बनाया है, तो ही मे बी स्ट्रेंजर, बट स्ट्रेंजर कैन हैव ए राइट टू फाइल अगेंस्ट अगेंस्ट दैट पर्सन, राइट. तो स्ट्रेंजर मे बी पार्ट ऑफ दिस. यस, लुक, अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ पार्टी का होगा, राइट, ओनली कंसर्न्ड पार्टी, क्योंकि जिसके ऊपर उसने अपनी पोजीशन मिसयूज की है, ओनली उसी के पास राइट है टू फाइल द केस, टू स्यू द केस. नाउ अंडरस्टैंड दिस वर्ड थ्रेटनिंग. किसी को थ्रेट करके किसी की प्रॉपर्टी लेना इज अ कोअर्शन, बट किसी की पोजीशन यूज करके अगर आप काम करवा रहे हो तो दैट इज समथिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो थ्रेट वर्ड आ गया तो इट इज कोअर्शन, पोजीशन वर्ड आ गया तो इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. रिमेंबर इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी. बिल्कुल, आपने कोई भी आईपीसी की धारा तोड़ी तो वो कोअर्शन कहलाएगा, बट ये आईपीसी की नहीं, ये पब्लिक पॉलिसी की धारा तोड़ते हैं. दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, नॉट आईपीसी, राइट. तो आईपीसी की प्रोविजन नहीं टूटती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, रेदर पब्लिक पॉलिसी की प्रोविजन टूटती है. सो दिस इज समथिंग कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. यस, इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? ओके ओके ओके. आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो, उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉड अगर टाइम बचता है. लुक एट दिस वीडियो. यस, so basically we have talked about these two, that is coercion and undue influence.
in the nutshell, please understand, in the last, I just wanted to say coercion is threatening. आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप धमका रहे हो, जिसमें आप उसका मेंटल प्रेशर ज्यादा है. तो अगर आप फोर्स लगा के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज कोअर्शन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेशर. फिजिकल प्रेशर वर्सेज मेंटल प्रेशर इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ कोअर्शन एंड अंडरस्टैंड. जब आप फिजिकली उसको प्रेशर दे रहे हो, मार कुटाई हो रही है, आप उसको इस तरीके से वायलेंस पे आ गए हो, तो दैट इज समथिंग कोअर्शन. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ दिए, आपने उसकी हड्डियां तोड़ दी, दैट इज कोअर्शन. जब आप मेंटल प्रेशर दे रहे हो, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. मेंटल प्रेशर इज कि नाउ सीएम हैज कम टू योर हाउस, कि वी वांटेड टू हैव दिस हाउस एट एनी पॉइंट, आपको एक महीने में ये खाली करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस. आपके मेंटल पे प्रेशर पड़ गया, उसने हाथापाई नहीं की आपके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आपको कर गया कि आप दिन रात सोचते रहोगे, ओ छोड़ना पड़ेगा घर, अच्छा कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा. सो समवेयर यू आर इन अ प्रेशर बट विद अ मेंटल ट्रॉमा. सो फिजिकल प्रेशर वर्सेस मेंटल प्रेशर मेक द कॉन्ट्रैक्ट कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. अदरवाइज जब आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ोगे, तभी मैं बार बार क्यों इनको समझा रही हूँ, बाकी तीन आर वेरी मच डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट. Coercion and undue influences, जहां पे there is a physical force used, it is a coercion. When there is a mental force used, it is undue influence. Yes. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Okay. Sure, sure. I'll share this PPT. If this PPT is with you only. If you look at Indian Contract Act, I'll be sharing on study material once again. Yes. But I believe the examples are clear. तो क्वार्जन के लिए जस्ट वन वर्ड, फिजिकल फोर्स, राइट? फिजिकल फोर्स. यू आर यूजिंग समथिंग गन पॉइंट, यू आर यूजिंग समथिंग एज ए रिवोल्टिंग एंगल्स. एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल प्रेशर, मतलब आप सोच रहे हो यू आर समवेयर इन द मेंटल स्टेट ट्रॉमा और मेंटल स्टेट इश्यूज और डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल स्टेट हेल्थ, जो भी कहिए आप. ऑल दोज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द अनड्यू इन्फ्लुएंस. यस. एनी डाउट? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So I'll be talking about fraud tomorrow, in the next week. Till then, you please understand, I'll be giving you one assignment today, and accordingly, you have to do it in this very week and submit me on my by Monday. Okay, bache? So I'll be sharing that assignment on the MBA group. Yeah. So kindly complete it on time and submit on or before Monday, okay? Till our next class, okay, bache? Okay. Thank you so much. We'll meet again on the next week. You please take care, okay? Thank you so much.